Hello and welcome to this video lecture series on reading drama. I am Sanket Kumar Jha, an assistant professor of English with Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Through this video, we will focus on the origin of drama, try to work out a definition of drama, and we'll go through a brief history of drama. The term drama comes from a Greek word dran, meaning action. Drama is found in virtually all cultures and is also called as play. यह शब्द drama Greek word dran से आया है जिसका मतलब action होता है और drama या नाटक करीब करीब सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं. A drama is defined as the form of composition designed for performance in the theater, in which actors take the roles of the characters, perform the indicated actions and utter the written dialogues. यानी ड्रामा वैसे कंपोजिशन को कहते हैं जो थिएटर के लिए डिजाइन किया गया होता है, थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए. इन विच एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी जिसमें एक्टर्स कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शंस, दिए गए एक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड अटर द रिटन डायलॉग और डायलॉग्स को बोलते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामाज आर हेमलेट, मैकबेथ, पिग्मेलियन, कैंडिडा एक्सेट्रा. ये सभी कुछ ड्रामा के एग्जाम्पल हैं. हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन. ए क्लोज्ड ड्रामा हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा लाइक डायलॉग, स्टेज, सेटिंग एक्सेट्रा, बट दे आर मीन टू बी रेड रेदर देन टू बी परफॉर्म्ड. एक ऐसा ड्रामा है जो थिएटर के लिए नहीं लिखा जाता है, वो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, इसीलिए उसे क्लोज्ड ड्रामा कहते हैं. और मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट्स, बायरन का मैनफ्रेड, सेली का प्रोमेथियस अनबाउंड वो क्लोज़ ड्रामा के एग्जांपल हैं. द वेस्टर्न ड्रामा वाज एन एस्टैब्लिश्ड लिटरेरी फॉर्म इन द फिफ्थ सेंचुरी ग्रीस. ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ डियोनिसस, द गॉड ऑफ नेचर, फर्टिलिटी एंड वाइन, देयर वाज मच डांसिंग एंड सिंगिंग. थ्री टाइप्स ऑफ प्लेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच सेलिब्रेशंस, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड द सैटिर प्ले. यानी एंशियंट ग्रीस में फिफ्थ सेंचुरी बीसी में ड्रामा एक इस्टेब्लिश लिटरेरी फॉर्म था. उस समय में डायोनिसस जो ग्रीक देवता हैं प्रकृति के, फर्टिलिटी के और वाइन के, उनके त्यौहार पे अनेक सिंगिंग और डांसिंग प्रतियोगिता आयोजित किए जाते थे और उन प्रतियोगिताओं से तीन तरह के ड्रामा का जन्म हुआ, ट्रेजेडी, कॉमेडी और सैटिर प्ले. The two masks associated with drama represent the traditional generic division between comedy and tragedy. ये जो दो mask हैं, ये tragedy और comedy को represent करते हैं. They are symbols of the ancient Greek muses Thalia and Melpomene. Thalia was the muse of comedy, while Melpomene was the muse of tragedy. ये जो रोता हुआ face है, ये Melpomene का symbol है, जो ancient Greece में ट्रेजडी की देवी थी, और ये थालिया का फेस है जो लाफिंग है, और ये कॉमेडी की देवी मानी जाती थी. द फेमस ड्रामेटिस्ट्स ऑफ एंशियंट ग्रीस आर द थ्री ट्रेजडी राइटर्स, एस्काइलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज, एंड द टू कॉमिक राइटर, एरिस्टोफेन्स एंड मिहेंडर. एस्काइलस हिस्टोरिकल ट्रेजडी द पर्सियंस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्रीक ड्रामा. Criticism of drama also dates back to the works of the ancient Greek philosophers. जैसे ancient Greece में drama का जन्म हुआ, उसी तरह drama की आलोचना भी ancient Greece में ही शुरू हो गई थी. Plato in the Republic wrote that he would outlaw drama from his ideal state because they corrupted citizens. ये Plato का बहुत famous dialogue है उनके पुस्तक The Republic में, जिसमें वो कहते हैं कि वो अपने ideal Republic से सभी ड्रामेटिस्ट्स को निकाल देंगे क्योंकि वो सिटीजन्स को करप्ट करते हैं. व्हाइल प्लेटोज डिसाइपल एरिस्टोटल डिफेंडेड ड्रामा इन हिज पोएटिक्स. इसी प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में, जो सेमिनल वर्क माना जाता है लिटरेरी थियोरी का, उसमें उसने ड्रामा को डिफेंड किया है. ही आर्ग्यूड दैट ट्रेजेडी लीड्स टू कैथारसिस ऑफ एक्सेसिव इमोशंस एंड हेंस गुड फॉर सोसाइटी.
एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी देखने से हमारे एक्सेस इमोशंस का प्योरिफिकेशन हो जाता है, इसलिए ये समाज के लिए अच्छा है। नाउ कम टू रोमन ड्रामा। द ईयर 240 BCE मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रोमन ड्रामा। इन एंशियंट रोम एंड्रोनिकस वॉज फेमस फॉर हिज ट्रेजडीज एंड नेवियस फॉर हिज कॉमेडीज, बट नन ऑफ देयर वर्क्स हैज सर्वाइव्ड। अब इनके कोई वर्क्स अवेलेबल नहीं है। द फेमस रोमन कॉमेडी राइटर्स आर प्लॉटस एंड टेरेंस, वाइल सेनेका इज फेमस फॉर हिज ट्रेजडीज। ये एंशियंट रोमन राइटर्स हैं, प्लॉटस और टेरेंस कॉमेडी राइटर्स और सेनेका ट्रेजडी राइटर। इन एंशियंट इंडिया संस्कृत ड्रामा वॉज एन एस्टेब्लिश्ड आर्ट फॉर्म। इंडियन थिएटर बिगेन विद द ऋग वैदिक हिम्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। हमारे यहाँ इंडिया में वैदिक पीरियड काल में ही ड्रामा एक इस्टेब्लिश्ड लिटरेरी फॉर्म था। भास एंड कालिदास वेर फेमस ड्रामेटिस्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। द अर्लीस्ट थियोरिटिकल अकाउंट ऑफ इंडियन ड्रामा इज भरत मुनिज नाट्यशास्त्र रिटन अराउंड 3rd century BC। और जिस वैदिक काल में भास और कालिदास नाटक लिख रहे थे, उसी समय भरत मुनि ने भी अपना नाट्यशास्त्र 3rd century BC के आसपास लिख दिया था। नाउ ए वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इन इंग्लैंड ड्रामा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिलीजियस परफॉर्मेंसेज ऑफ द मिडिल एजेस। यानी देर इज नो लिंक बिटवीन एंशियंट रोमन ड्रामा एंड द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड। Rather, English drama originated from church services or liturgical services. They are known as mystery plays and miracle plays. Mysteries have themes from the Bible and the miracles dealt with the lives of saints. The earliest miracle of which we have any record in England is the Ludus de Sancta Catharina, which was performed in Dunstable about the year 1110. In mystery and miracle plays, priests played the roles of characters, and plays were usually performed inside the church. The dialogue was in Latin. In due course, Latin was replaced by English, and performance began to be carried on outside the church. शुरुआत में मिस्ट्री और मिरेकल प्ले चर्च प्रीमाइसेस के अंदर ही परफॉर्म किए जाते थे, जिसमें प्रिस्ट्स एक्टर का रोल प्ले करते थे और डायलॉग लैटिन में लिखे होते थे। ग्रेजुअली ड्रामा बिकेम पॉपुलर एंड इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ दोज ड्रामाज। मॉरेलिटी प्लेज दैट केम आफ्टर मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज वेयर ड्रामाज इन विच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। एंड देर वॉज वन मोर फॉर्म दैट इज नोन एज द इंटरल्यूड्स। दे वेयर प्ले विद इन प्ले और ए कॉमिक स्क्रिप्ट इन द मिडस्ट ऑफ ए सीरियस प्ले। ये इंटरल्यूड ड्रामा के बीच में एक कॉमिक एपिसोड की तरह होते थे, ये फुल ड्रामा नहीं होते थे। और ये मॉरेलिटी प्ले जो मिस्ट्री और मिरेकल के बाद आए, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को पर्सोनिफाई करके कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया जाता था। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी इज गोरबोडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स, रिटन इन 1561 बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। एंड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, रिटन बाय निकोलस उडल इन 1550। इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 16th सेंचुरी द यूनिवर्सिटी विट्स एस्टैब्लिश्ड द इंग्लिश नेशनल ड्रामा। दे ब्लेंडेड द क्लासिकल ड्रामा विद द पॉपुलर ट्रेडिशन। दैट मीन्स व्हेन द रिनासा केम द इंग्लिश पीपल became acquainted with ancient Roman and Greek dramas, and they blended the features of Roman drama with popular tradition. The role of the university wits was quite commendable in this, and the works of Roman philosopher Seneca were an important model for English tragedies in the 16th century. Thomas Kyd, who is one of the university wits, wrote his famous melodrama A Spanish Tragedy. Christopher Marlowe, the greatest dramatist among the university wits, his Tamburlaine, Dr. Faustus, the Jew of Malta, and Edward II depict the Renaissance spirit. The Elizabethan period is the golden period of English drama, since this is the period of the greatest playwright, William Shakespeare. Shakespeare wrote 37 plays. His four great tragedies are Othello,
Hamlet, King Lear, and Macbeth. Ben Jonson, who was a contemporary of Shakespeare, was a famous writer of comedies during the Elizabethan age. Jonson's comedies are popularly known as Comedy of Humours. The Puritan attack on drama led to the closing down of all theatres in England in 1642, and this led to the steady decline of drama during this period. During the Restoration period, drama revived again. The Restoration plays were mainly comedies. They were modeled on the realistic comedies of Ben Jonson. They were known as Comedy of Manners. Now from here, the influence of continental drama, French drama, is visible. The Restoration's playwrights portrayed the manners of the elites. Congreve's The Way of the World and William Wycherley's The Country Wife are the best examples. In the 18th century, first came the sentimental comedies and then the anti-sentimental comedies. Oliver Goldsmith's She Stoops to Conquer is a famous example of an anti-sentimental comedy. The Victorian age saw the rise of problem plays. The problem plays dealt with contemporary social problems. The works of Henrik Ibsen and Emily Zola belong to this category. Their works were realistic and naturalistic in spirit. Now, the playwrights, the dramatists, tended to present the real world situation. They wanted to raise the problems of the society in order to find out a solution. Bernard Shaw was the advocate of the problem play in England. He employed drama as a medium for social betterment. In the hands of John Galsworthy, another problem playwright, drama became a powerful instrument for social criticism. The early decades of the 20th century witnessed the rise of poetic drama. A poetic drama is written in verse. This form was experimented by Oscar Wilde, W.B. Yeats, J.M. Sinds, C.N.O. Casey, T.S. Eliot, etc. Eliot's play, Murder in the Cathedral, showed the spirit of Greek drama. The 1950s saw the rise of working class drama. They portrayed frustration and anger of the post-war period. John Osborne's Look Back in Anger portrays the angry young man. The existential worldview shared by Nietzsche, Sartre, Albert Camus also revolutionized the concept of modern drama. The theater of the absurd is a significant development in the English theater. The absurd play seeks to explore the spiritual loneliness, complete isolation, and anxiety of the down and outs of society. Thus, English drama continues to change, flourish, and grow, and this despite the competition from cinema and television. The work has been revolutionary and far-reaching. Thanks for watching. In the next video, I will discuss various elements of the drama. Thank you again.